समझ सकते हम हाजिर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके। सो रिसेंटली मैंने Zee5 पे मूवी देखी बाल लड़े, ये एक ड्रामा जॉनर वाली मूवी है जिसका डायरेक्टर एंड एक्टर है पवन नागपाल। तो आज वीडियो करेंगे इसमें और जानेंगे कैसी मूवी, क्या मूवी आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो जाने के लिए बड़े वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं। कोविड के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज को एक्सप्लोर किया है, पर ये कहानी काफ़ी अलग है। का एक ऐसा भी गांव है जहां पे हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वो लोग हर समस्या से लड़ना जानते हैं, हर समस्या से जूझना जानते हैं और अपने गांव को काफ़ी ज़्यादा विकसित खुद ही कर रहे हैं। कहानी है जानकी गांव की 14 साल के बच्चे नरेन की, जो अपनी सूझबूझ से अपनी गाँव को हर मुसीबतों से बचाता है। फिर चाहे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की साफ सफाई करना हो, डस्टबिन लगाना हो, स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ गांव की मदद भी करना, एंड इसके लिए वो पार्ट टाइम में चाय भी बेचता है ताकि उसी पैसे से गांव की भलाई कर सके। कैसी रहती है नरेन की पूरी जर्नी, फिर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है नरेन को, जानने के लिए देखिए 1-8 मिनट की मूवी बाल नरेन ओनली ऑन Zee5। फिल्म का स्क्रिप्ट एंड इसकी स्टोरी टेलिंग ठीक ठाक है, फिल्म कहीं पर भी आपको निराश नहीं करेगी, पर इसकी जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं नरेन के इर्द गिर्द ही घूमती है। मेरा कहने का मतलब है कि नरेन अपने पूरे टीम के साथ काम कर रहा है, मतलब एक 14 साल का बच्चा अपने पूरे जो स्कूल फ्रेंड है उस सबके साथ मिलकर गांव की साफ सफाई कर रहा है, पर फिर भी सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नरेन को दिया गया है, उसके दोस्तों को उतना ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिला है, उसका जो बचपन है ठीक से नहीं दिखाया गया है पर्दे पर। ये फिल्म बहुत सारे मुद्दों पर बात करती है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो कोविड हो, प्रिकॉशन हो, वैक्सीनेशन वगैरह, हर चीज़ को ये फिल्म कवर करती है। इस तरीके से हर सीन को दिखाया गया है वो काफ़ी रियल भी लगता है, पर कहीं ना कहीं एक 14 साल के बच्चे को इतना ज़्यादा समझदार दिखाना कि वो डॉक्टर से भी ज़्यादा लोग इस पर विश्वास करता है, ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ मुझे लगी। फिल्म एक सीन में दिखाया गया है कि गाँव का सरपंच कोविड के बारे में डॉक्टर से परामर्श नहीं लेके नरेन से परामर्श लेता है कि कोविड एक्चुअली क्या है, हमें कैसे प्रिकॉशन लेना है, कैसे बचना है, ये बच्चे से पूछ रहे, जबकि बगल में डॉक्टर खड़ा है वो उससे नहीं पूछता। फिल्म में चाहे किसी का पेट भरना हो, किसी की रोजगार हो या फिर गांव का कोई भी समस्या, नरेन सबसे आगे रहता है, अच्छी बात है। पर नरेन के साथ साथ उसके दोस्तों को भी दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जबकि दोस्तों को साइडलाइन ही कर दिया गया है, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलना था वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। रीडिंग रिसेंट है, 1-8 मिनट की मूवी है जो बहुत ज़्यादा विलेंदी फिल्म बिल्कुल भी नहीं लगती। फिल्म के अदर कैरेक्टर जैसे वो प्राइवेट डॉक्टर हो गया, नरेन की माँ हो गई, तो इन सभी का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहता है। सभी की परफॉर्मेंस ओवरऑल ओके रहती है फिल्म में। फिल्म में 2-3 गाने भी हैं जो सुन के काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्लाइमैक्स काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो एंड के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं बचता। इन शॉर्ट ये एक ठीक ठाक फिल्म है, अगर आप चाहें तो इसे एक बार ट्राई कर सकते हो, उम्मीद है मूवी आपको निराश तो नहीं करेगी। मैं इस मूवी को रेट करूँगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। फ्रेंड एगेंस की बात करें तो टोटली फैमिली फ्रेंडली है, अगर आपने इसे नहीं देखा तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें। पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्म देखना पसंद, और हाँ जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे कंटेंट देखने के लिए। हम तब से फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।